मैं मेहरू साहब भी थे जो 1996 में उन्होंने एक कॉलम लिखा कि सुबसर में बोली जाने वाली जुबानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वो कॉलम आज तक मेरे पास महफूज है। उसी कॉलम ने मुझे तहरीक दी कि सुबसर में बोली जाने वाली 30-35 जुबानों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह मुनक्कद करेंगे, और वो कॉन्फ्रेंसें इंशाल्लाह मुनक्कद हो रही हैं, होती रहेंगी इंशाल्लाह। अब आपके सामने एक जुबान जो सुबसर में बोली जा रही है, बदेशी की तरह वो जुबान मतरूक नहीं हुई, उसके बोलने वाले बहरैन की वादियों में, बहरैन के पहाड़ों में, बहरैन की आबशारों के आसपास, ऊपर ऊपर पहाड़ों के ऊपर, चोटियों के ऊपर मौजूद हैं। वो जुबान इतना बोलते हैं जब मैं जब उन्होंने अपनी मादरी जुबान में बात की और बड़े फख्र से कहा कि ये मेरी माँ भूली की जुबान है, मुझे मेरी माँ ने तुरवाली में बात करनी सिखाई थी, मुझे बताया था कि पानी मादरी जुबान में कैसे मांगते हैं और अपनी ज़रूरत की बातें, ज़रूरत की चीज़ें कैसे तुरवाली जुबान में। लोकगीत सुना तो खुशी से मेरा खून बढ़ गया, मैंने कहा कि मेरी मादरी जुबान में एक लोकगीत पेश हो रहा है। तो ये हमारे लिए लोकगीत ये जुबानें हमारा खून और हमारे वजूद को मजबूत कर रही हैं, मजबूत करती रहेंगी। इसी जुबान के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू रखते हैं मोहतरम जनाब जुबैर तोरवाली। एक दूसरा, अगर हम जो अक्सर ये जुबानों के बारे में लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और रियलिस्टिक सोचते नहीं है, तो मैं भी एक दावा कर सकता हूँ। गालिब का एक शेर है और उसने उस शेर का ख्याल तोरवाली शेर से दिया। ये दावा मैं अगर करूँ तो मुझे नेकलेस भी लगेगा, चलो लतीफा है। वो शेर जो है, खुलता किसी पर क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पर क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो इसका तोरवाली जो है, रोसी मिसाल पड़वाल सी शिलोरी ना फरा, मिथे सवाल दिशा का बनी गोदा, ये बिल्कुल इससे मफहूम का है। तो तोरवाली के बारे में ज़िया साहब ने भी बताया, पिछले साल की मुलाकात भी आपको सुनाई। तोरवाली ये भी इस इलाके की जुबान की तरह एक ही आर्याई जुबान है, और इन आर्याई जुबान में दर्द जुबान जो ग्रुप है ज्योति शाह उसके ताल्लुक है, उसकी करीब करीब बहने के जुबानों में है वो गावरी, इंडस पोस्तानी और शीना, ये उससे ज़्यादा करीब करीब जुबानें हैं। तोरवाली प्रोफेसर का जिसे हम स्वाद पाकिस्तान कहते हैं, और स्वाद अगर मशहूर है तो उसी इलाके की वजह से है जिसे स्वाद पाकिस्तान कहा जाता है। इस इलाके में मदियान, बहरैन और कालाम, अब तो अगर स्वाद मशहूर है तो वो कालाम की वजह से ही होगा, माफी चाहता हूँ, तालिबान की वजह से मशहूर है। तो वहाँ स्वाद कालाम में गौरी बोली जाती है, मदियान मशहूर है, और जो बहरैन के इलाका है सातान से लेकर कालाम के सरहद जिसे पिशमात कहा जाता है, वहाँ के इस पूरे इलाके में तोरवाली जुबान बोली जाती है। इसके अलावा ये मदियन के साथ मशरक की तरफ एक दर्रा है, बहुत खूबसूरत दर्रा जिसे जेल दर्रा कहते हैं, जहाँ जमान साहब ने जिक्र किया कि बदशी जुबान वहाँ थी, शायद तोरवाली जुबान वो बदशी जुबान खा गई थी, तो वहाँ भी ये तोरवाली जुबान बोली जाती है। तो ये इसका जो महत्व है। इसके अलावा ये तोरवाली लोग जो है वो पाकिस्तान के सब सारे बड़े शहरों, कराची, हैदराबाद, कोयटा, रावलपिंडी, पिशावर, इसमें भी रहते हैं। मैंने किसी एक शख्स किसी से कहा कि हमारे लोग हैदराबाद, कोयटा, कराची, पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर वहाँ भी रहते हैं, तो उसने कहा, सिकंदरी ने कहा, मजाक कहा, तो वाह ये तो कौमी जुबान है। तो अब तोरवाली जुबान के बोलने वालों की तादाद लाख से ऊपर बताई जाती है। इसमें 60% जो लोग हैं वो उसी आबाई इलाके में रहते हैं, जबकि 40% तो हिजरत करके शहरों की तरफ आए हैं और वहाँ मुकीम हैं। यहाँ चूँकि जब हमारी बारी कभी आती है तो ज़िया साहब में पेंटिंग लेकर खड़े होते हैं कि आपने बस जल्दी खत्म करना है, बहुत सारी बातें कर दी थी, लेकिन मैं मुख्तसर आर्ज़ करना चाहता हूँ। तोरवाली जुबान में जो पहली किताब लिखी वो यहाँ पेशावर में मुकीम तोरवाली जनाब अब्दुल हामिद करीमी साहब,
اس نے لکھی تھی آج سے 20 سال پہلے توروالی اردو کی شاعر کو شاعر بھی کریں گے. تو یہ ایک بات ہے کہ زبان ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ چل گئے ترقی میں رکھا ہوں, لیکن یہ بالکل الٹ ہے. دوسرا جو ایک موضوع یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے مادری زبان کی تعلیم پر کچھ بات کرنی ہے, تو یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے, لہٰذا میں صرف چند ایک حوالے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا. یونیسکو کی رپورٹ ہے 1953 میں شائع ہوئی, آپ بھی انٹرنیٹ پر ڈھونڈ سکتے ہیں, اس کو ضرور پڑھیں. پھر یونیسکو کی دوسری رپورٹ ہے 1999, اس کو پڑھ لیں. پھر 2003 میں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے وہ پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ جو عالمی بینک ہے ان کی شرح رپورٹیں آئی ہیں وہ پڑھ لیں. اور آج کل ان دنوں یونیسکو کی سائٹ پر مدر ٹنگ ڈیلیما کی ٹائٹل سے ایک آرٹیکل آ رہا ہے, آیا ہوا ہے. ان چیزوں کو پڑھ لیں کہ مادری زبان میں تعلیم کتنی اہم ہے. میں پھر اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ یہ سوچیے, اب جس چیز پر پیار ہماری نظر پڑتی ہے تو اس چیز کی تصویر کس زبان میں ہم دیکھتے ہیں,